आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल झड़ना फ्लाइंग हेयर इसके बारे में, इस रोग के कारण, इसके लक्षण और इसके इलाज, इसका क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन सा शैम्पू लगाएं, कौन सा साबुन लगाएं, कौन सा टेबलेट खाएं, कौन सा दवा लें या फिर कौन सा इंजेक्शन लें, एलोवेरा खाएं, आंवला खाएं, क्या करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, जानकारी आपको पूरा मिलेगा। तो आप जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम रवि है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हेल्थ से जुड़ी जानकारी, दवाओं से रिलेटिव बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वेबसाइट पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाए। आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। बाल का झड़ना फ्लाइंग हेयर, सबसे पहले बाल का झड़ने के बारे में बात करते हैं, साफ सफाई के ऊपर से शुरू करते हैं। कंघी से बाल को सवारते समय यदि उसमें से कुछ टूटकर कंघे से लग जाए तो समझ लीजिए बालों का झड़ना प्रारंभ हो चुका है। इस रोग के कारण के बारे में बात करते हैं। इस रोग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बालों की जड़ों का कमजोर होना, टीबी की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में ऐसा देखा जाता है। सिर में रूसी होता है तो उन बाल झड़ने की समस्या अधिक होती है। सिर में जुए पड़ने से भी ऐसा होता है। गज रोग है, उससे तो बाल झड़ता ही है। बुखार जो होते हैं, टाइफाइड वाले बुखार, उसमें भी बाल झड़ते हैं। टाइफाइड जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद बाल झड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद किसी पुरानी बीमारी के ठीक हो जाने के बाद भी बाल झड़ते हैं। बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जो होते हैं, जो लंबे समय से जो है उस रोग से आप ग्रस्त हैं और वह बीमारी ठीक होने के बाद बाल झड़ना शुरू हो जाता है। किसी किसी में ऐसा होता है जिसे कहते हैं वंशानुगत, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बाल झड़ने की समस्या होती है। कालाजार वाले बुखार से पीड़ित लोगों में बाल झड़ने की समस्या होती है। पुरानी बीमारी के बाद या किसी एक या सभी अंगों की कमजोरी और दिमाग दुर्बलता से भी बाल झड़ता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अभ्यांतर रस में कमी होने से बाल झड़ती है। सिर की त्वचा पर फुंसी और एक्जिमा होने से भी बाल झड़ते हैं। दोस्तों, बाल झड़ने के कोई भी कारण हो, उसके उपचार के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी जानकारी और कुछ क्वेश्चन भी रखेंगे जो लोगों के द्वारा बाल के प्रति कुछ समस्या होती है, उसका भी बताया जाएगा इस वीडियो में। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ इन्फेक्शन होता है। सबसे बड़ा कारण बालों का झड़ने का यही है डैंड्रफ इन्फेक्शन। जिनको होता है उनको बाल झड़ने की समस्या होती है, जो सिर की त्वचा पर प्रभाव करता है। सबसे बड़ा कारण के बारे में हम लोग दोस्तों अब बढ़ते हैं लोगों से पूछे जाने वाले सवाल। कुछ बाल झड़ने के कारण, लंबी बीमारी या किसी बड़ी संक्रमण हो या फिर सर्जरी हो या फिर गंभीर संक्रमण या इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन और शारीरिक तनाव से 2 या 3 महीने के बाद बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, या फिर किसी किसी समय तो 10 दिन के बाद ही, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें महिलाओं में अक्सर अधिक मामलों में ऐसी समस्या मिलती है कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। महिलाओं के हार्मोन में बदलाव के बाद भी ये हो सकता है, विशेषकर स्त्री में शिशु को जन्म देने के बाद यह होता है। स्त्री जो होती है, महिला, वो जो है कम उम्र में बच्चे को जन्म देती है तो इससे तो होता ही समस्या। ऐसे महिलाओं को ऑपरेशन जो होता है सर्जन, उसके बाद भी बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है किसी भी उम्र की महिलाओं में, ऐसा अक्सर देखा जाता है। बालों का झड़ना तुरंत कैसे रोके? बालों की करें तेल से मसाज। इसमें नारियल का तेल से आप मसाज कर सकते हैं बालों में। आंवला भी बहुत असरदार होता है बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए। आंवला काफी असरदार है। मेथी असरदार होती है हेयर फ्लो को कंट्रोल करने में, आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा सेहत के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ हेयर फ्लो को कंट्रोल करने में लाभकारी है। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो क्या करें? अगर आप भी झड़ते बालों की समस्या से परेशान हैं तो हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल कर समस्या से निजात पा सकते बालों की
झड़ने की समस्या को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। जजोबा आमला तेल बालों की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होता है। आमला आपके बालों को मजबूत और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। मेथी हो गया, प्याज का रस हो गया, करी पत्ता का भी आप उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? मुख्य तौर पर विटामिन डी की कमी को बाल झड़ने के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इससे अलग कुछ और भी जरूरी विटामिन्स है, जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनकी कमी से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। सर के बाल क्यों झड़ते हैं? बाल झड़ने के पीछे प्रदूषण, तनाव या खराब लाइफस्टाइल भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई लंबी बीमारी, शारीरिक या मानसिक तनाव, दवाइयों के साइड इफेक्ट या पोषण में किसी चीज की कमी होना भी बाल झड़ने का कारण बन सकता है। डैंड्रफ की वजह से भी बाल झड़ते हैं। अगला सवाल है, महिला के लिए घर पर तुरंत बाल गिरावट को रोकने के लिए कोई भी प्राकृतिक तेल जैसे ओलिव ऑयल या नारियल का तेल या फिर कनोला ऑयल ले सकते हैं। इसको हल्का गर्म करके इस तेल से अपने स्कल्प में रोज मसाज करें। मसाज के बाद सिर पर एक शावर कैप पहन ले और इसे करीब एक घंटे बाद शैम्पू से धो ले। बालों को झड़ने से रोकने के उपाय के रूप में तेल से इलाज करना बहुत ही फायदा पहुंचाता है। अगला सवाल है, क्या खाने से बाल नहीं झड़ते हैं? बालों का झड़ना कम करने के लिए अपने आहार में शामिल करें, जैसे फैटी मछली का सेवन करें। आपको कुछ प्रकार की मछलियां जिसमें आवश्यक फैटी एसिड, ओमेगा 3 और विटामिन डी शामिल होते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। आप जो है अंडे खा सकते हैं, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, नट्स और सीड खाएं। आइए जानते हैं बालों के लिए कौन कौन सी विटामिन फायदेमंद होते हैं जो बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए बाल झड़ने का कारण कई बार पर्यावरण और जेनेटिक हो सकता है। विटामिन बी ले सकते हैं आप, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। ये सारे विटामिन बालों को पोषण देने के लिए जरूरी है। अगला सवाल है, बालों को दोबारा कैसे उगा? सिर पर दोबारा बाल उगाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करें। गर्म तेल की मालिश बालों को दोबारा उगाने के लिए हॉट हेयर ऑयल मसाज भी फायदेमंद है। नीम और एलोवेरा, कुछ औषधियां जैसे नीम और एलोवेरा भी बालों के लिए हेल्दी ऑप्शन है। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है। बालों के लिए नट्स और बीन्स खाएं, योग और ध्यान लगाएं। अगला सवाल है, नए बाल उगाने के लिए क्या करें? प्याज को छिलकर बीच से दो हिस्से में काट दें, उसके बाद प्याज को सिर में उस जगह पर धीरे धीरे रोजाना 5 से 7 मिनट तक रगड़ें, जहां से बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। इससे बालों का झड़ना भी बंद होगा और नए बाल भी आने लगेंगे। कॉलेजी का इस्तेमाल भी आप बालों को झड़ने से रोकने और नए बाल उगाने के लिए कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या झड़े बाल वापस आते हैं? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहती हैं या फिर चाहते हैं, तो इसका उत्तर है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वो भी बिना हेयर ट्रांसप्लांट टेंशन के, यानी कुछ दवाओं, तेल और सही देखभाल से गंजे सिर पर भी बाल आ सकते हैं और बालों का झड़ना पूरी तरह कंट्रोल भी किया जा सकता है। अगला सवाल है, बालों को मोटा कैसे करें? बाल मोटे करने का उपाय है अंडा का सेवन करें, बालों को जैतून का तेल लगाएं बालों को मोटा करने के लिए। पतले बालों को मोटा बनाना है तो मेथी के बीज का इस्तेमाल करें। पतले बालों को मोटा आप जो है आंवला के
सेवन से भी कर सकते हैं। मोटे बालों को मोटे करने के उपाय में अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। बाल मोटे करने के लिए एलोवेरा का उपयोग करें। अगला सवाल है, कौन सा तेल लगाने से बाल नहीं झड़ता? नारियल के तेल इस्तेमाल से बालों के झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। नारियल का तेल आपके बालों के रोम को मजबूत करता है, बालों का झड़ना आसानी से रुक जाता है। साथ ही आप नियमित रूप से नारियल तेल का उपयोग करके गंजेपन की समस्या से बच सकते हैं। अगला सवाल है, बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन सा तेल लगाएं? बालों को झड़ने से रोकने के लिए बेस्ट तेल के बारे में पुदीना का तेल, जिनको बाल झड़ रहे हैं वो लगाएं, भिंगराज का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, 6.TT ऑयल आता है वो भी लगा सकते हैं, आंवले का तेल और प्याज का रस बहुत ही फायदेमंद होता है बालों में लगाने से। अगला सवाल है, झड़ते बालों को रोकने के लिए कौन सा तेल लगाएं? बाल झड़ने की समस्या के लिए आप एलोवेरा का तेल भी बना सकते हैं। इसके लिए आधा कप एलोवेरा जेल और आधा कप ही कोकोनट ऑयल लेकर एक कप एक पैन में अच्छी तरह गर्म कर लें। इसके बाद इसे ठंडा करके हफ्ते में दो बार लगाएं। अगला सवाल है, एक दिन में कितना विटामिन सी लेना चाहिए? शरीर को रोजाना कितना विटामिन सी चाहिए? विशेषज्ञों की माने तो महिलाओं को 75 मिलीग्राम, पुरुष को और 90 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं को 85 मिलीग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को 120 मिलीग्राम तक विटामिन सी का सेवन रोजाना कराना चाहिए। अगला सवाल है, घने बालों के लिए करना चाहिए उपयोग मेथी के बीज। एक या दो चम्मच मेथी के बीज को पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगोकर रख दे। फिर इस मेथी के बीज को पानी से निकाल कर मिक्सर में डाल दे। अब इन्हें मिक्सर में पीस ले। आप उसमें 2 चम्मच नारियल के तेल को भी मिला सकते हैं, उसके बाद लगाएं। अगला सवाल है, एक दिन में कितने बाल उगते हैं? सिर पर एक दिन में आप लगभग 3 से 4 मिलीमीटर प्रति दिन या 6 इंच प्रति वर्ष बढ़ा सकते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के बाल कितने बढ़ेंगे यह शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, नए बाल उगाने के लिए कौन सा तेल लगाएं? कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी के तेल के रूप में भी जाना जाता है। बालों को नया स्टाइल देने के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल कैस्टर ऑयल में ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। यह फैटी एसिड आपके स्कल्प स्वस्थ रखता है और बालों को झड़ने से रोकता है। अगला सवाल है, बालों को लंबा, घना और मजबूत कैसे बनाएं? बालों को लंबा और घना बनाने का तरीका है तेल मालिश। आप जो है बालों के ऊपर तेल मालिश करके बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बनाए बालों को लंबा और घना कर सकते हैं। लंबे और घने बाल पाने के लिए इस्तेमाल करें आंवला और मेथी, ये दोनों इस्तेमाल करें। घने और लंबे बाल के लिए प्रतिदिन शैम्पू नहीं करना चाहिए। सही शैम्पू का इस्तेमाल करके बालों को घना और लंबा बनाया जा सकता है। शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना न भूलें। अगला सवाल है, विटामिन सी के कैप्सूल कब खाने चाहिए? रोज सुबह विटामिन सी टैबलेट का सेवन करें, कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? खट्टे रसदार फल और आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर और अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, कंदर, बंदा गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के लिए अच्छे स्रोत है। इसके अलावा दाल
भी विटामिन सी का स्रोत। अगला सवाल है, एक दिन में कितनी बार कंघी करना चाहिए? क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार आपको दिन में कम से कम 2 बार कंघी जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के बाल ज्यादा लंबे हैं उन्हें 3 बार अपने बालों को काटना चाहिए। एक आपको अपने बालों के लिए प्लास्टिक की जगह लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल है, रात में कंघी करने से क्या होता है? रात को सोने से पहले बालों में कंघी करना बहुत ही जरूरी है। कंघी करने से बालों में पड़े गट फूल जाते हैं और स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बेहतर होगा कि रात को सोने से पहले लकड़ी की कंघी से बालों को झाड़े या आपके बालों में शाइनिंग भी लाएगी। ये थे कुछ सवाल दोस्तों जिसके बारे में हमने जानकारी दी। आगे भी जानते हैं, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अपना कंघी हमेशा स्वस्थ रखें। सप्ताह में 1 बार अवश्य शैम्पू करें, जो शैम्पू आपको सूट करता है, या फिर आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा शैम्पू के बारे में। साधारण स्नान वाले साबुन टॉयलेट सॉप सिर पर न लगाएं। इसे मान लीजिए हाथ धोने वाला कुछ आते हैं साबुन, उसको भी लोग जो है सिर के ऊपर लगा लेते। इस तरह की साबुन मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है जो कि आप न लगाएं। आप हाथ धोने वाले साबुन सिर के ऊपर न लगाएं। अधिकतर जो है सस्ते के चक्कर में लोग लगा लेते हैं, अधिकतर लोगों में। अनेक प्रकार के तेल बालों में लगाना। नारियल का तेल सप्ताह में 1 या 2 बार स्नान से पहले बालों में लगाकर हल्की मसाज करें। यदि सिर की त्वचा के छिल्ले उतरते हो तो सेल्सन शैम्पू सिटावलोन 2% लोशन का प्रयोग करें। और भी बालों के बारे में कौन सा दवा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा टैबलेट खाना चाहिए, कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट logictalk.in पर जाकर के विजिट करें। वहां पर कौन कौन सी इंजेक्शन और कौन कौन सी शैम्पू और कौन कौन सी साबुन, कौन कौन सी टैबलेट और कौन कौन सी विटामिन लेनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।